हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा की मां गिंदौड़ी देवी के निधन पर महेंद्रगढ़ के गांव राठीवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने माता गिंदौड़ी देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने कहा कि गिंदौड़ी देवी से मुझे कई बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उनका आशीर्वाद भी लिया था। वे धार्मिक, सामाजिक, प्रेरणादायक एवं सकारात्मक विचारों की धनी थी। माँ की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। आज आप महेंद्रगढ़ आए हैं शिक्षा मंत्री जी की माता जी के ध्यान। हमारे शिक्षा मंत्री श्रीमान रामलाल जी के मुझे माता जी का परसों शाम को स्वर्गवास हुआ। आयु 97 वर्ष थी। मेरा पूरा परिवार अपने पीछे छोड़ के गई है और उनका आशीर्वाद हमेशा हमेशा परिवार के साथ समाज के ऊपर भी बना रहेगा। ऐसी माता थी जो हमेशा सामाजिक कामों की ओर बहुत ध्यान देती थी। मुझे तो स्वयं समय समय पर उनका सानिध्य मिलता था और एक प्रेरणा जो उनसे मिलती थी बहुत ही उच्च कोटि का एक उनका संदेश ये होता था। ठीक है कि आज हमारे बीच में नहीं है, उनका जरूर है, लेकिन इतना बड़ा पूरा परिवार उनका गई है। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को स्थान दें और हम सब लोगों को इस क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान हो। सर, प्रदेश की एक बेटी का हैवानियत का शिकार हो गई है और वो सीमा सुरक्षा में लगी हुई है कि रेवाड़ी पुलिस कह रही है महेंद्रगढ़ पुलिस कार्रवाई करेगी, महेंद्रगढ़ करे रेवाड़ी, कानून अपना काम करेगा और कोई पुलिस का फायदा नहीं है। जो भी कोई दोषी कल्प्रेट है उसको सजा दो।